गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ। आज हम गोल्डन ग्रामर की बुक में चैप्टर नंबर 10 करेंगे और सॉरी 11 करेंगे और 12 करेंगे। सिमिली। सिमिली क्या है? अ सिमिली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स हैविंग सम कॉमन क्वालिटी। सिमिली दो एक कंपैरिजन है दो अनलाइक थिंग के बीच। मैनी एक्टिविटी कैन बी यूज इन फ्रेजेस दैट शो सच कंपैरिजन। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। हम देखते हैं एज बिजी एज अ बी, as white as snow, as proud as peacock, as brave as lion, as green as grass, as old as hills। मतलब हम कंपेयर करते हैं कि इसके जैसे वो है, इसके जैसे ये है, उसके जैसा वो है, तो उसके हिसाब से हम नीचे वाले की एक्सरसाइज एक बार देखते हैं। as stubborn as a donkey, as blind as a bat, as slow as snail, as free as a bird, as cunning as fox, as playful as kitten, as quiet as a mouse, as strong as an ox। फिर है चैप्टर नंबर 12 डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स डिटर्मिनर मतलब कोई भी नाउन फॉर्म के बारे में कोई मीनिंग निकालते हैं तो उसके लिए हम आगे कोई वर्ड रखते हैं तो उस वर्ड को हम डिटर्मिनर कहते हैं। डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन। जैसे कि स्कूल, तो स्कूल के आगे डिटर्मिनर फॉर्म हमने लगाया माई, मतलब ये मेरी स्कूल। फिर हाउस, तो दैट हाउस। हॉर्स, अ हॉर्स। फ्लावर्स, तो मैनी फ्लावर्स। एयरप्लेन्स, फाइव एयरप्लेन्स। प्राइज, फर्स्ट प्राइज। तो हम ये जो नाउन फॉर्म है उसके आगे हमने जो जो आपको रेड वर्ड्स दिखते हैं बच्चों वो डिटर्मिनर है, मतलब हम नाउन फॉर्म का मीनिंग जानने के लिए हम डिटर्मिनर फॉर्म वो वर्ड लगाते हैं। डिटर्मिनर इज ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन। वर्ड्स यूज एज डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स में ए एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दिस दोज, एंड प्रोनाउंस यूज एज पॉजिटिव एडजेक्टिव माई आवर योर हीज हर इट्स देयर। अदर वर्ड्स ऑल नो मैनी फ्यू एनी सम ईच एवरी वन टेन फर्स्ट सेवरल, ये सब बच्चों डिटर्मिनर्स ही हैं जो आप नाउन फॉर्म के आगे लगाते हैं। जैसे कि हम एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको पता चलेगा आई सीट इन द डैश रो इन क्लास। रो बताया गया है लेकिन कौन से रो पे बैठे वो नहीं बताया गया, तो हम लिखते हैं टू रो नहीं सेकेंड रो, सेकेंड रो इन द क्लास। अब देखिए यहाँ एलिफेंट इज द यंगेस्ट, लेकिन कौन सा एलिफेंट, दैट या दोज? दोज मतलब प्लूरल फॉर्म हो गया तो हम दैट लिखते हैं, दैट इज सिंगुलर फॉर्म, तो हम एलिफेंट इज ऑल्सो, एलिफेंट इज सिंगुलर फॉर्म है तो उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नाउन को डिटरमाइन करता है कि दैट एलिफेंट। वुड यू लाइक डैश टी, वुड यू लाइक वन टी, तो हम नहीं बोल सकते तो सम टी ही आता है। आई वुड लाइक टू स्टडी फॉर डैश आर, कितने घंटे तक वो नहीं लिखा। आर हम बोलते हैं मतलब ओ इज द प्रोनाउंसिएशन, सो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉन्ट डैश बुक एट वंस, माइन नहीं दैट इज माई बुक। आई हैड नॉट सीन द गार्डनर फॉर सेवरल डेज। एवरी डॉग हैज हिज डे, ग्रैंडमा टोल्ड अस मैनी स्टोरीज। तो बच्चों ये सारे डिटर्मिनर्स और सिमिलीज जो है वो आप आपके बुक में कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।